हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको स्ट्रेस है, मानसिक तनाव है, मानसिक दबाव की स्थिति बनी हुई है, आप बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, तो मेरे ये कुछ उपाय अपनाइए। जो उपाय मैं आपको बता रही हूँ इस वीडियो में, वो उपाय अपनाइए, आपका मानसिक तनाव दूर हो जाएगा, आपको शांति मिलेगी, आपका मन हर एक कार्य में लगने लगेगा। दोस्तों, किसी भी मनुष्य की ज़िंदगी में सदैव एक जैसी स्थिति नहीं होती, कभी खुशी तो कभी दुख होता है। ऐसे में कई बार मनुष्य बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा चिंता में डूब जाता है। वो चिंताएं इस तरह उस पर हावी हो जाती हैं कि वो मानसिक तनाव की स्थिति में आ जाता है। लेकिन आप घबराइए नहीं, अगर आपके साथ ऐसा है तो आप ये कुछ छोटे छोटे उपाय कीजिए, इससे आपको बेहतर लाभ मिलेगा। तो चलिए जान लेते हैं कौन से हैं ये उपाय। भय, चिंताओं और मानसिक परेशानियों को दूर करने के लिए कपूर का एक छोटा सा उपाय ज़रूर करें आप। आप जिस कमरे में सोते हैं उस कमरे में कपूर का एक लैंप जलाएं। अगर घर पर कपूर का लैंप ना हो तो वैसे ही किसी भी दिए अथवा बर्तन में कपूर को जलाकर रख दें। इससे समस्त भय दूर हो जाते हैं, परेशानियों से छुटकारा मिलता है, परिस्थितियां आपके अनुकूल होने लगती हैं। किसी भी तरह की मानसिक परेशानियों को दूर करने के लिए प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। प्रत्येक शनिवार को शनि मंदिर में जाकर शनि देव को तेल चढ़ाएं। 6 महीने में कम से कम एक बार अपनी पहनी हुई एक जोड़ी चप्पल जो बहुत ज़्यादा खराब ना हुई हो किसी गरीब को दान अवश्य कर दें। इससे चिंताएं दूर होने लगती हैं, मानसिक शांति और ऊर्जा की प्राप्ति होती है। कई बार पारिवारिक, आर्थिक या अन्य कारणों से दिमाग बहुत ही उत्तेजित हो जाता है, चिंताएं दिल और दिमाग पर हावी होने लगती हैं। ऐसा लगने लगता है कि घबराहट, गुस्से या दबाव या किसी मानसिक परेशानी सोच से दिमाग बिल्कुल फट जाएगा, अपने आप पर काबू नहीं रहता। ऐसी परेशानी में एक लोटे में या जग में पानी लेकर उसके अंदर लाल मिर्च के बीज डालकर अपने ऊपर 7 बार उबार कर उस जल को घर के बाहर सड़क पर फेंक दें। दिमाग से बोझ कम होने लगेगा, आपको तुरंत आराम मिलेगा। शनिवार के दिन हनुमान मंदिर में जाकर पूर्ण श्रद्धा से हनुमान जी की आराधना करें। उनके कंधे अथवा चरणों से सिंदूर उठाकर अपने माथे पर लगाएं। आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपके मन की चिंताएं, आपकी परेशानियां दूर होने लगेंगी। मानसिक दबाव या फिर किसी भी तरह की चिंताओं से मुक्ति पाने के लिए आप प्रातः सूर्य देव को तांबे के बर्तन में लाल चंदन, अक्षत, गुड़ तथा लाल पुष्प डालकर अग्र दें। उनसे अपनी परेशानियों को दूर करने की प्रार्थना करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। आपके घर में आपके मन की कैसी भी स्थिति क्यों ना हो, आप अपने घर के किसी भी सदस्य पे अपना गुस्सा ना निकालें, अपनी किसी भी परेशानी के लिए उन्हें दोष ना दें। सदैव घर के बाहर जाते समय अपने माता पिता के चरण छूकर आशीर्वाद लें। उनसे आशीर्वाद लेने के बाद ही घर से वापस जाएं। घर पर वापस लौटते समय खाली हाथ ना आए, कुछ ना कुछ चाहे कागज ही क्यों ना हो साथ लेकर आए। जिस घर में बड़े बुजुर्ग और स्त्रियों को पूर्ण सम्मान मिलता है, उस घर परिवार में समस्त चिंताएं, उसके संकट अपने आप ही दूर हो जाते हैं। यदि दिमाग पर किसी बात की चिंता रहती हो तो रविवार को छोड़कर नियमित रूप से पीपल की पूजा करें, पीपल की सेवा करें। शनिवार को पीपल के पेड़ पर दूध और काले तिल चढ़ाएं और बाकी के दिन सादा जल चढ़ाएं। और शनिवार को संध्या के समय पीपल पर कड़वे तेल अथवा तिल के तेल का चौमुखा दीपक जलाने से समस्त मानसिक चिंताएं दूर होती हैं, कुंडली के ग्रह अनुकूल फल देने लगते हैं। किसी विशेष कार्य पे जाते हुए घर के बाहर निकलते ही भगवान विष्णु का ध्यान करें। भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए दाहिने हाथ की हथेली पर 2 इलायची रखकर 3 बार श्री श्री का उच्चारण करके उसे खा लें। इससे मार्ग में विघ्न नहीं आते, कार्यों में सफलता मिलती है, आपको उचित लाभ प्राप्त होता है।
तो ये थे मेरे उपाय जिन्हें अपनाकर आप मानसिक तनाव से छुटकारा पा सकते हैं, अपनी समस्त चिंताओं को दूर कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने प्रियजनों के साथ इसे शेयर अवश्य कर लें ताकि वो भी इससे लाभ उठा सकें। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप तक हमारे टिप्स पहुंच सकें। धन्यवाद।